नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं ललिता सिंह। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सत्र के दूसरे दिन सरकार सदन में अनुपूरक बजट पेश करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामेदार होगा। एक तरफ सरकार जहां अपनी साल भर की उपलब्धियों को गिनाने के मूड में दिख रही है, तो वहीं सुखाड़, स्थानीय नीति, पलायन जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की मूड में है। मंगलवार को शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। पहले दिन सदन के पटल पर 4 अध्यादेश और 14 विधेयक रखे गए। साथ ही कार्यवाही के दौरान शोक प्रस्ताव भी लाया गया। इस दौरान सदन ने दिवंगत नेताओं और प्रमुख हस्तियों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। आपको बताएं कि सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। तो शीतकालीन सत्र जो है वो 22 दिसंबर तक चलेगा। सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है विपक्ष ने, और कह सकते हैं ऐसा कि हंगामेदार होने के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं शीतकालीन सत्र में। तो एक तरफ सरकार जो है अपनी साल भर की उपलब्धियों को गिनाने के मूड में दिख रही है, तो वहीं विपक्ष की बात करें तो सुखाड़, स्थानीय नीति, पलायन जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने के मूड में है। मंगलवार को शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है, और पहले दिन की बात करें तो पहले दिन सदन के पटल पर 4 अध्यादेश और 14 विधेयक रखे गए थे। और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करो, और लक्ष्मण को जांच की गारंटी करो। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता आशुतोष। आशुतोष, जानना चाहेंगे आपसे कि आज किन मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा होगी, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, मैं बता दूं कि आज जो है मुख्य रूप से जो है अनुपूरक बजट पेश किया जाना है। लेकिन जैसे ही उसके पहले जो है सदन की कार्रवाई प्रारंभ होगी, तो कांग्रेस जो है अपने पूर्व मंत्री और विधायक योगेंद्र साव पर सीसीए लगाए जाने के विरुद्ध के स्वरूप जो है वो कार्य स्थगन का प्रस्ताव लाएगी। और इसके अलावा जो है ये जया दरेज वाले मामले को भी जो है मास्टर्स और जो माले के विधायक है राजकुमार यादव, ये दोनों लोग बोले कि इन दोनों का कहना है कि जो भी भ्रष्टाचार विरोधी सरकार दम भरती है भ्रष्टाचार के विरोध का, लेकिन यहाँ जो जिस तरह से मामले ये आ रहे हैं, एक पशु अर्थशास्त्री से पुलिस द्वारा पैसे मांगे गए, इस मामले को भी वो उठाएंगे और प्रश्नकाल में भी इस मामले को उठाएंगे। और अगर दूसरे हाफ की बात करो तो दूसरे हाफ में मुख्य रूप से जो राज्य में जो सुख की जो स्थिति है, विस्थापन और पलायन हो रहा है, इन मुद्दों पर चर्चा होगी। तो आज कहा जा सकता है कि आज का जो पूरा जो दिन भर का जो सत्र है काफी गर्मा गर्मी वाला रहने वाला है। अब देखना होगा कि किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष इसे अपने अपने रूप में जो है इसको पक्ष में करते हैं, और किस तरह जो है जो जनता के जो मुद्दे जो है आज के दिन उठ पाते हैं। जी आशुतोष, इन तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। तो आपको बताएं कि झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सत्र के दूसरे दिन सरकार सदन में अनुपूरक बजट पेश करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामेदार होगा। रुक करते दूसरी खबर की ओर। बिहार की कमान संभालने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने अगले 5 सालों के लिए राज्य के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। नीतीश कुमार 15 दिसंबर से लगातार 3 विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में नीतीश कुमार आज पीएचईडी, पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय की समीक्षा बैठक करेंगे। नीतीश कुमार सबसे पहले पीएचईडी विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। ये बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। इसके बाद नीतीश कुमार पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय की समीक्षा बैठक करेंगे। आपको बताएं कि नीतीश कुमार 14 दिसंबर से लगातार विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। 29 दिसंबर तक क्रमवार विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे नीतीश कुमार। तो लगातार जो है विभागों की समीक्षा बैठक हो रही है। पीएचईडी, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक आज नीतीश कुमार करेंगे। कई मंत्री समेत कई अधिकारी जो है इसमें मौजूद रहेंगे इस बैठक में। तो आज 3 विभागों की समीक्षा बैठक करने वाले हैं नीतीश कुमार। 29 दिसंबर तक विभागों की समीक्षा बैठक का ये जो दौर है वो चलेगा। नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि लगातार समीक्षा कर रहे हैं, लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, और आज सबसे पहले पीएचईडी विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। ये बैठक, ऐसी जानकारी मिल पा रही है कि बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। और इसके बाद पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय की समीक्षा बैठक करेंगे नीतीश कुमार।
इस बीच खबर मिल रही है रांची से, आपको बताएं जया द्रिज मामले को लेकर प्रदर्शन हो रहा है विधानसभा के बाहर, सीपीआईएमएल का विरोध देखने को मिल रहा है, मास्क के विधायक ने विरोध किया है, तो सीपीआईएमएल का विरोध देखने को मिल रहा है, मासस के विधायक ने विरोध किया है, ऐसी जानकारी मिल पा रही है इस वक्त आपको बता रहे हैं। जया द्रिज मामले को लेकर प्रदर्शन जारी है विधानसभा के बाहर, तो आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन हंगामे के आसार जो है वो देखने को मिल सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। आज विधानसभा में उठाएंगे, लेकिन ये मसला आम आदमी के साथ, यदि जया द्रेज के साथ हो तो आम आदमी के साथ किस तरीके से पुलिस की व्यवहार है, और रघुवर जी की सरकार में कितनी भ्रष्टाचार है, मनोबल पुलिस की कितनी ऊंचा है, ये आप इससे दर्शाता है। तो जया द्रेज मामले को लेकर प्रदर्शन जो है विधानसभा के बाहर लगातार जारी है, सीपीआईएमएल का विरोध देखने को मिल रहा है, मासस के विधायक ने विरोध किया है। रुक करते दूसरी खबर की ओर, पट्टनवासियों के लिए खुशखबरी है, पाटलिपुत्र स्टेशन से ट्रेनों का परिचालन आखिरकार आज से शुरू होने जा रहा है। 13,255 पाटलिपुत्र चंडीगढ़ एक्सप्रेस को आज पाटलिपुत्र स्टेशन से हरी झंडी दिखाई जाएगी। बताया यह जा रहा है कि इस स्टेशन को शहर के दो अन्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर टर्मिनल से दबाव को कम करने के लिए विकसित किया गया है, जिनसे होकर करीब 350 ट्रेनें रोज गुजरती है। आपको बताएं कि पाटलिपुत्र स्टेशन पिछले कुछ समय से तैयार हो चुका था, लेकिन कुछ कारणों से इसे चालू नहीं किया जा सका था। तो पाटलिपुत्र स्टेशन से आज ट्रेनों की आवाजाही शुरू होगी, वहां का जायजा लिया है जी मीडिया संवाददाता ब्रजमोहन पांडे ने। जिस पाटलिपुत्र स्टेशन को लोगों ने सालों बनते हुए देखा है, आज वो स्टेशन चालू हो जाएगा, यानी कि आज आम लोगों के लिए स्टेशन खुल जाएगा। पाटलिपुत्र स्टेशन आप देखिए पूरी तरह से तैयार है, अपने यात्रियों के इंतजार में तैयार है और अपने यात्री का इंतजार कर रहा है कि वो आए और यहाँ से ट्रेन पकड़ें। आज से यहाँ से परिचालन शुरू हो जाएगा, ट्रेन के परिचालन की शुरुआत आज से की जाएगी। चंडीगढ़ के लिए आज रात 8:30 बजे पहली ट्रेन खुलेगी, यानी कि पूरी तरह से इंतजार खत्म हुआ लोगों का। कई सालों से लोग इस स्टेशन को बनते हुए देख रहे थे, कई सालों से लोग यहाँ पटरियाँ बिछते हुए देख रहे थे, तारों को जुड़ते हुए देख रहे थे। आज जब स्टेशन शुरू होगा, ट्रेनें जब चलेंगी, तो एक राज्य से दूसरे राज्य तक तार जुड़ जाएगा, यानी कि पंजाब के लिए आज ट्रेन खुलेगी यहाँ से, यानी कि बिहार के पटना से सीधे पंजाब के लिए ट्रेन खुलेगी। और आपको बता दें कि अब इंतज़ार खत्म हो गया है, तमाम लाइटें जल गई हैं, जो माइक है जो यात्रियों के लिए संदेश देता है वो भी चेक कर लिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले वो आवाज़ यहाँ फिर गूंजने लगेगी कि आप इंतज़ार कीजिए, आपकी ट्रेन तुरंत आने वाली है। तो यहाँ के लोगों का इंतज़ार खत्म हुआ, अब ट्रेन यहाँ से शुरू हो जाएगी। कैमसन महिपराज के साथ ब्रजम पांडे, जी मीडिया पटना। और बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की, सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती की है। पेट्रोल के दाम में 50 पैसे की कमी की गई है, वहीं डीजल की कीमत में 46 पैसे प्रति लीटर की कटौती हुई है। आपको बताएं कि पटना में पेट्रोल अब 64 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर मिलेगा, वहीं डीजल अब 49 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। खबर दानापुर से है, दानापुर के डीएसपी कार्यालय के सामने सगुना मोड़ के नजदीक अज्ञात अपराधियों ने बालू ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक संतू सिंह राघोपुर के चकसिंगार के रहने वाले बताए जाते हैं। मृतक डीएसपी कार्यालय के पास घटना होने के बाद भी पुलिस मौके पर देर से पहुंची, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या के कारणों की जांच में जुट गई है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर डुप्लीकेट टिकट का खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जब इसकी जांच के लिए समस्तीपुर के सीनियर डीसीएम पहुंचे तो गिरोह के सदस्य स्टेशन से फरार हो गए। इसी दौरान लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस में 5 मुसाफिर जाली टिकट के साथ पकड़े गए, जिसकी जानकारी टीटी ने
डीसीएम को दी। डीसीएम ने यात्रियों से पूछताछ की तो पता चला कि सभी टिकट काउंटर नंबर 4 से खरीदा गया है, जबकि टिकट पर काउंटर नंबर 2 लिखा हुआ था। जानकारी मिलने के बाद डीसीएम ने टिकट काउंटर पर भी जाकर पूछताछ की। उन्होंने इस फर्जीवाड़े में रेल स्टाफ की मिलीभगत से इनकार नहीं किया है। टिकट आपने विजुअली देखा है? विजुअली देख करके आपको डिफरेंस ऑफ प्रिंटिंग दोनों दिख रहा है? दोनों दिख रहा है। इवन एम ई जो लिखा है मेल एक्सप्रेस, वो देखिए कि वो हाथ से लिखा हुआ, वो प्रिंट के नहीं। अभी हम इस केस का इन्वेस्टिगेशन हम अपने प्रोटेक्शन फोर्स को देंगे, जो इस पर हर समय आपके स्टेशन में रहते हैं, इस तरह के लोगों पर उनकी निगाहें रहती है। हम हर एस्पेक्ट को लेकर के ही उसकी इंक्वायरी कम्प्लीट करेंगे। मोतिहारी सदर अस्पताल में आईसीयू की सुविधा शुरू हो गई है। मोतिहारी के डीएम कुमार अनुपम ने आईसीयू भवन का उद्घाटन किया। सदर अस्पताल में आईसीयू शुरू होने से अब मरीजों को महंगे अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा। आईसीयू में अत्याधुनिक मशीन के साथ साथ मरीजों के लिए खास तरह के बेड भी लगाए गए हैं। आईसीयू बेड हुआ, जिसमें हम लोग जो मरीज बहुत दिन तक रह जाते हैं, जिसको बेड सर होने का खतरा होता है, तो हम लोग एयर बेड इसमें दिए हुए हैं। इसमें क्या है कि यह डिफरेंट पॉइंट पे प्रेशर देता है, कभी एक फूलता है तो दूसरा पचकता है, तो ये डिफरेंट पॉइंट पे प्रेशर देता है, तो इससे हमको बेड सर प्रिवेंट हो जाता है। और हमारे बेड में बहुत सारी सुविधाएँ हैं, जो आईसीयू आइडियल बेड होना चाहिए उसमें लगा हुआ है।